दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंकड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी 2020 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हीना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाभोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी के पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपने इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और से को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंकड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 दो में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हीना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाभोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार एंजॉय कीजिएगा जी फाइव के पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्त इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और शिकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इसे प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम, हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 दो में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार एंजॉय कीजिएगा जी फाइव की एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं ये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्करे शीतल धाभोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देशपांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा की आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव की एप पर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव की पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बोस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंकड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 दो में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तनवी ठक्करे शीतल धाभोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबगसवानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी के एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंकड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तनवी ठक्करे शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सेकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों 7 फरवरी 2020 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.4 की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान है रोहन साहा तनवी ठक्कर शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देशपांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबगसवानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी के ऐप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सेकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ़ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नसी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.4 की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान है रोहन साहा तनवी ठक्कर शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देशपांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबगसवानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजेक्ट कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी दो की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे, क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार एंजॉय कीजिएगा जी फाइव के एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपने इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रश है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और से को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इसे प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बाद में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 दो में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.4 की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्करे शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देशपांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है uh -hmm. तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे। क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार एंजॉय कीजिएगा जी फाइव के एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपने इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इसे प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से पाँच चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्करे शीतल धाभोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा का पसंद आने वाला है आपको इस, इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी दोस्तो आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार एंजॉय कीजिएगा जी फाइव की एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और शिकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंकड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दो हजार बीस में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हीना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे, क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं ये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंकड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दो हजार बीस में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि खां खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी के एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दो हजार बीस में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाभोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देशपांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सेकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों 7 फरवरी 2020 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दो हजार बीस में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ तो पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे, क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव की एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नसी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दो हजार बीस में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाभोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव की पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशे की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इसे प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हीना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और से को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इसे प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंकड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार एंजॉय ज़रूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 बीस में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाभोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा का पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार एंजॉय कीजिएगा जी फाइव के पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपने इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रश है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और शिकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इसे प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बोस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं ये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी 2020 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्कर शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कार परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक तो कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा तो पसंद आने वाला है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे, क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बोस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं ये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंकड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इंजेक कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तनवी ठक्कर शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा सिड मक्कार परवीना देश कोमल छाबरिया संजय गुरबक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू न जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे, क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सेकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है 2020 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तनवी ठक्करे शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के एप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बोस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों 7 फरवरी 2020 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दो हजार बीस में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तनवी ठक्करे शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देश पांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबगसवानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय इंजरूर इंजरूर कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी के ऐप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और से को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जो जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी हैक्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्ड मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को ये मूवी दोस्तों सात फरवरी दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी हैकड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो आप इस मूवी को एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दो हजार बीस में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विक्रम भट्ट जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से 5.4 पॉइंट चार की रेटिंग दी है लेकिन गूगल यूजर्स ने इस मूवी को साठ तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप एक बार इन्जॉय कीजिएगा बात करें अगर अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिना खान रोहन साहा तन्वी ठक्करे शीतल धाबोलकर मोहित मल्होत्रा शिड मक्कारे परवीना देशपांडे कोमल छाबरिया संजय गुरबक्सानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है एक घंटे ग्यारह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो, तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी आपको इस मूवी का प्रीमियम किस तरह पसंद आया तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको मूवी में काफ़ी हद तक थ्रिलर एंड दे क्राइम देखने को मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा जी के ऐप पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात करें दोस्तों अपने इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है समीरा सेम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है उसका एक पड़ोसी एक उन्नीस साल का प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी जो उस पर क्रस है सेम का अपने प्रेमी और कपूर नाम के एक लड़के फिल्म में अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग रिश्ता है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है अपने अपार्टमेंट में सेम के जन्मदिन की पार्टी में जहां उसके सभी दोस्त और से को आमंत्रित किया गया था जब ओम पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो वह टूट गई विवेक उसके फिलेट को साफ करने में मदद करता है और सेम अचानक टूट जाता है और नशी की हालत में विवेक और उसके और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है विवेक उसे सातवना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सेम उसे चूम लेता है फिर विवेक प्रतिक्रिया करता है और वे जोशपूर्ण सेक्स करते हैं अगली सुबह सेम उठता है और विवेक को अपने बगल में सोता हुआ देखता है और चौंक जाता है ओम ने दरवाजे की घंटी बजाई और सेम चिंतित हो गई विवेक कहता है कि ठीक है जिस पर सेम कहता है कि वे उससे बात में बात करेगी सेम अभी भी ऑफिस मीटिंग में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थिति रहने के लिए उस पर चिल्लाता है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा जी फाइव के ऐप पर जाकर आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत